Ah, quand même. Alors. जय जिनेंद्र। जय भाई, आवाज नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही मैं आपकी। शेयर हुई ना सर, मैं वीडियो मैं म्यूट पे था। ओके ओके, आ गए सर, आ गए। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र भैया, और क्या हाल चाल? बढ़िया। एकदम बढ़िया। आज स्क्रीन तो पे जय शेयर जी हो रही और है ना अच्छे आप, से। आज तो जय जी और आप ही हो ना, नवीन जी और जय आप ही हो ना। हाँ सर, पहला सेशन मेरा, सेकंड सेशन नवीन जी का। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना ठीक से? हाँ हाँ हो रही हो रही। ओके मेरी वॉइस तो सही आ रही ना? अरे हाँ, क्या नया टिश्यू का दर्द दे रहा मेरे को, पहले भी हो गया। ठीक है ठीक है। कितने बजे स्टार्ट करना अपने को, मेरे को? जय भैया 4 बजे स्टार्ट करना है यार। दोनों में क्या है? ये बात है। ईयरफोन लगे हो तो हाँ
वॉइस आ रही सर, वॉइस नहीं आ रही। ओके गुड आफ्टरनून।
प्रेजेंट का गुड इवनिंग सर एंड मैम गुड आफ्टरनून सर स्टार्ट करें सर विपिन जी सर गुड आफ्टरनून एवरीवन सर प्लीज नाउ यू कैन स्टार्ट स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग विद इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स दे विल जॉइन गुड आफ्टरनून बेटा गुड आफ्टरनून एवरीवन ज्यादा भी पेन देना ठीक है सर मोबाइल से थैंक यू मैम यस सर यू कैन स्टार्ट कुलदीप सर या ओके सर ओके ओके मेरी आवाज आ रही है ना सर कुलदीप जी आपकी आवाज आ रही है हम लोग 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे ओके ओके सर ओके ओके थैंक यू मैम थैंक यू फॉर जॉइनिंग यस मार्केट घूम रही है Let's meet with calmness. हाँ सर
आप नवीन तो फिर आप नवीन को मना कर दीजिए, मैं पूरा सेशन मैं ले लेता हूँ। खाली इम्प्रोवाइज स्ट्रक्चर वाला समझा देते ना, फ्रैक्चर और इम्प्रोवाइज स्ट्रक्चर वाला छोटा सा ही है। ठीक है ठीक है ओके, आप नवीन जी को मना कर दिए खाली ओके। कुलदीप जी काइंडली स्टार्ट कर दें। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्कार, वंदे मातरम साथियों, मैं कुलदीप मारू अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद से आप सभी के बीच तेरापंथ टास्क फोर्स के मिशन एम्पावरमेंट के जन जागृति कार्यक्रम हेतु उपस्थित हुआ हूं। प्राकृतिक आपदाओं और मेडिकल इमरजेंसी में मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में हम स्वयं की या दूसरों की मदद कर सकते हैं। अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के महीने आयाम तेरापंथ टास्क फोर्स द्वारा स्कूल और कॉलेज में वर्चुअल मिशन एम्पावरमेंट का कार्यक्रम नियमित रूप से कर जन जन को जागृत कर रहा है। तेरापंथ टास्क फोर्स के कैडेट्स भारत सरकार के आपदा प्रबंधन फोर्स नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स से प्रशिक्षित है। कुलदीप जी आप म्यूट हो गए हैं। म्यूट करने के लिए जी सर। शक्ति मैं हूँ, मैं अनंत ज्ञान मैं हूँ, मैं अनंत चेतना प्रवाह युक्त हूँ। युवा हूँ मैं जोश है, सजग हूँ मैं तो होश है, हवाओं की तरह सदा मैं मुक्त हूँ। पंथ फौज का सिपाही हूँ, बसे जो आप गाँव में के दर्द हो फिजाओं में, तुरंत उनको से मैं त्राही दूं। गाँव में मुस्कुराहटे खिला सकूं रवायते, मिशन के वास्ते जग सदा ही हूं। फर्ज की घड़ी भी है जरूरतें, जहाँ भी हो मैं वक्त दूँ। है मेरा राष्ट्र धर्म ये सिखाया धर्म संघ ने, निभा रहा हूँ क्योंकि मैं सशक्त। तो यूं देखें तो युवक परिषद संस्था ये टास्क फोर्स है, अपने आप पूरी संस्था टास्क फोर्स है, क्योंकि अवस्था का भी एक काम करने की अवस्था होती है, जवानी की अवस्था। इस अवस्था में आदमी बढ़िया काम करे। हमारी शक्ति विद्वत के नहीं, हमारी शक्ति
निर्माण के। मैं विघ्न हर मिटा सकूं, मैं खौफ हर हटा सकूं, मैं अंधकार में दिए की रोशनी, एक आंसू पहुंच दो किसी के घाव भर सकूं, खुशी के धन को प्राप्त करके मैं धनी। समय का एक युद्ध है, सजग रहे वो बुद्ध है, विवेक संग हो तो साधना के पलों में मैं हूँ, जिंदगी की आश सा सुदीर्घ रात्रि बाद में प्रभात हूँ, जहाँ भी हो जरूरतें पुकार लेना तुम मुझे, मैं TTF सदस्य बन के साथ हूँ। अनंत शक्ति मैं हूँ, मैं अनंत ज्ञान मैं हूँ, मैं अनंत चेतना प्रवाह युक्त हूँ, युवा हूँ मैं तो जोश है, सजग हूँ मैं तो होश है, हवाओं की तरह। आचार्य माँ समन जी फरमाते हैं कि जैसे जीवन में मन का महत्व है, वैसे ही वाणी की बड़ी उपयोगिता है। विचारों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा बहुत जरूरी होती है। व्यक्ति को अपनी वाणी में मधुरता रखनी चाहिए। मैं ऐसे ही सहज सरल मधुर वाणी के धनी अबत युग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री महेश जी बापना को आमंत्रित करूंगा कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय महेश जी बापना। धन्यवाद कुलदीप जी। आध्यात्म जगत के उज्जवल नक्षत्र, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि सवंदन। अहिंसा इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल दीपिका जी, इस TTF के राष्ट्रीय प्रभारी विकास जी, सह प्रभारी जितेश जी, तेरापंथ युवक परिषद डोंडाईचास के अध्यक्ष सौरभ जी, मंत्री आनंद जी, कुलदीप जी, विपिन जी एवं इस वर्चुअल मीटिंग में जुड़े, इस TTF सेमिनार में जुड़े सभी भारत के भविष्य बालक बालिकाओं सभी का इस वर्चुअल TTF वर्चुअल मिशन एम्पावरमेंट में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जो ये हम TTF का जो वर्चुअल सेमिनार डोंडाईचा, जो एक महाराष्ट्र के नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे देखे तो नक्शे में देखना पड़ता है कि डोंडाईचा कहाँ है, पर वहाँ के जो कार्यकर्ता हमारे तेयुग के है, बहुत ही ऊर्जाशील कार्यकर्ता है, उनके मेहनत से अहिंसा इंटरनेशनल स्कूल में एक आज कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं प्रिंसिपल महोदय से वो बताना चाहूंगा कि अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद से शायद आप परिचित होंगे, नहीं तो अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद अपनी देश और विदेश में मिलाकर 350 शाखा परिषदों के माध्यम से 50,000 युवाओं का नेतृत्व करता है। और हमारा मेन मोटो है सेवा, संस्कार और संगठन। हम सेवा के अनेक कार्य करते हैं इस NGO के माध्यम से, जिसमें हमारा मुख्य है ब्लड डोनेशन ड्राइव। हम ब्लड डोनेशन हर साल भी करते हैं और हमारे नाम पर गिनीज इस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हमने एक दिन में 1,00,000 से ऊपर रक्तदान का डोनेशन करवा कर हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाया है। उसके साथ साथ हम अभी प्लाज्मा डोनेशन के का भी कार्य कर रहे हैं। हमने कल ही स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र के साथ मिलकर उनके साथ मिलकर हमने प्लाज्मा डोनेशन का जो मेगा डोनेशन ड्राइव है उसको भी हमने अभी निरंतर चालू करवाया है। साथ ही हमारी अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के नेतृत्व में पूरे भारत भर में 55 डायग्नोस्टिक सेंटर, जो बिल्कुल जो रेट में आपको डायग्नोसिस करते हैं, बहुत ही किफायती रेट में हम डायग्नोसिस का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, हम आई डोनेशन का कार्य भी पूरे देश भर में करवा रहे हैं। इस साल हमने 740 आई डोनेशन करवा कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके साथ ही हमने आज से 4 वर्षों पूर्व हमारे संगठन ने सोचा कि हमें कुछ ऐसा कार्य करना है जिसको हम पूरे देश में जन जागृति के तौर पर ले सके। तो हमने भारत सरकार के NDRF टीम के साथ मिलकर TTF तेरापन टास्क फोर्स का हमने गठन किया, जो हमें हमारे कैडर्स को भारत सरकार के NDRF द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर के सशक्तिकरण का इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, क्योंकि कोरोना की वजह से हम कहीं स्कूल में हमारे कैडेट्स नहीं जा पा रहे हैं, तो हमने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जन जन में सशक्तिकरण बच्चों के माध्यम से कैसे हो, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं कुछ ऐसा समय आता है जब वह आपदा से ग्रसित होता है, कभी उसके फैमिली में
कभी उसके परिवार में, कभी उसकी सोसाइटी में जहां वह रहता है, कभी समाज में कुछ ऐसी आपदा आ जाती है जिसका उसके तत्काल उपाय करना होता है, तो वह चीज हमारे कैडर्स आपको प्रैक्टिकल रूप से बहुत ही हम एनडीआरएफ से ट्रेंड है पूरी तरह से, वह आपको आज इन बच्चों को बताएंगे कि हमें आपदा के समय में जब भी छोटी छोटी आपदाएं हमारे जीवन में आती है तब हम कैसे उसका उपयोग करना चाहिए, कैसे हमें आग से बचना चाहिए, कैसे सर्प काटा तो हमें बचना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी चीजों जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हम बच्चों तक पहुंच रहे हैं और हजारों बच्चों का अभी तक हमने यह जन जन सशक्तिकरण के माध्यम से हमने उनको लाभान्वित किया है। तो मैं पुनः इस प्रिंसिपल महोदया और पूरे स्कूल प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमें सु अवसर प्रदान किया कि हम बच्चों से रूबरू हो सके, बच्चों के अभिभावकों और बच्चों के प्रति भी बहुत बहुत आभार कि आपने अपना समय निकालकर इस अपने लिए और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे इसके लिए आपने समय का नियोजन कर रहे हैं। साथ ही मैं पूरी TTF टीम के प्रति भी धन्यवाद कि आपका जो ये मिशन चल रहा है बहुत ही सुंदर मिशन है, आप इसको निरंतर जारी रखें। और हमारे डोंडईचा के अध्यक्ष सौरभ जी और आनंद जी मंत्री और उनकी पूरी टीम का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपने कार्यों से सबको लाभान्वित किया है। आप ऐसे ही कार्य और स्कूलों में भी कराने की कोशिश करें जिससे हमारा जो ये मिशन है कि हम हजारों बच्चों तक पहुंच सके और छोटी छोटी उनकी आपदाओं से हम समाज और सोसाइटी को बचा सके। इसी के साथ पुनः एक बार प्रिंसिपल महोदया एवं सभी स्टूडेंट का धन्यवाद। ओम अरहम। धन्यवाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय। अब मैं बिना किसी भूमिका के आमंत्रित करूंगा 53 टास्क फोर्स के अनुभवी कैडेट्स जय जी को मिशन एम्पावरमेंट के लिए आमंत्रित। जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। तो मैं सभी से सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सभी कोई अपने अपने कैमरास प्लीज चालू कर लें ताकि मैं जैसे आप सभी को दिख रहा हूँ, आप सभी मेरे को देख पा रहे हैं, वैसे मैं आप सभी को देख के जो ऊर्जा है आप सभी को अपना जो नॉलेज अभी तक मैंने गेन किया है NDRF से उसको शेयर करने के लिए मैं आप सभी के एनर्जेटिक फेसेस देखना चाहता हूँ। बहुत ही प्लेजेंट मौसम है अभी कलकत्ता के अंदर में एंड आई गेस आप लोग भी जहां जहां हैं वहां बहुत प्लेजेंट मौसम रहेगा। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं अपने स्ट्रेट अपने सेशन के साथ में और जिसके अंदर में हम लोग आज बहुत सारे इंटरैक्टिव टॉपिक्स कवर करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि से एज अ MFR ट्रेन है। MFR का मतलब होता है मेडिकल फर्स्ट रिस्पोंडर। मेडिकल फर्स्ट रिस्पोंडर का कर्तव्य क्या है या आज के बाद में आप जो भी स्टूडेंट्स आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं या जो भी मैनेजमेंट आज हमारे साथ में जुड़ा हुआ है वो आज के बाद में MFR बन जाएंगे इन टॉपिक्स के ऊपर में। तो MFR का क्या कर्तव्य है, MFR क्या भूमिका है, मैं उसके बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। MFR जैसे कि मैंने आपको बताया मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो व्यक्ति होता है जो कोई भी आपदा विपदा के समय में कोई डॉक्टर का कार्य नहीं करता बल्कि एक प्रोफेशनल तरीके से मेडिकल एड प्रोवाइड करने का काम करता है। उसका काम जैसे कोई ऑपरेशन हो या किसी का पांव टूट गया तो उसका इमीडिएट ऑपरेशन करना या किसी को सांप ने काट लिया तो उसका जहर निकालना, ये जो काम है वो डॉक्टर्स का काम है बट हम उनको मेडिकल फर्स्ट एड देके उसको उनको किस प्रकार से सहायता प्रदान कर सकें कि जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचे तब तक वो सही सलामत रहे, तब तक डॉक्टर के पास तक पहुंचे वो बेहोश ना अनकॉन्शियस ना हो या वो उनकी मृत्यु नहीं हो, उस चीज की हम कोशिश करते हैं। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी आपदाएं हमारे जीवन में रोज कुछ ना किसी रूप से घटती रहती है। तो आज हम उन्हीं टॉपिक से साथ में आगे बढ़ेंगे और आप सभी से चाहता हूं मैं जो भी आज की बात करूं उसको आप लोग इंटरैक्टिवली लें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप इमीडिएटली चैट बॉक्स में डालें। मैं ट्राई करूंगा कि सेशन के एंड के अंदर में सारे क्वेश्चन चैट बॉक्स से लेके मैं सभी का निवारण एंड में कर सकूं। ओके तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ में जिसको हम लोग कहते हैं बर्न्स यानी कि जलना जीते हैं। तो हम सभी अपने अपने यूं खेलते हैं अंदर में, इसके अलावा हम कभी कभी अपने लैबोरेटरीज के अंदर में काम करते हैं। साइंस जो भी 11th 9th 10th में जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग केमिस्ट्री लैब करते होंगे, कुछ सीखते होंगे, एक्सपेरिमेंट करते होंगे, तो कभी कभी केमिकल्स गिर जाते हैं उससे भी बर्न्स हो जाते हैं। जब हम लोग मम्मीज की हेल्प कर रहे हैं अपने किचन के अंदर में तभी कोई गर्म सामान हमारे हाथों पे गिर जाता है, गर्म बर्तन पे हमारे हाथ लग जाते हैं, तो कहते हैं। मैं छोटा
एक केबीसी का फास्टेस्ट फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि व्हाट टू बी अप्लाइड हमें बर्न के अंदर में क्या करना चाहिए. सबसे पहले आइस, दूसरा है कोल्ड फ्रिज वाटर या थर्ड कोल्ड रनिंग वाटर. इन तीनों में से हमें क्या अप्लाई करना चाहिए. जब आपको जल गया है तो आप वहां पे आइस लगाएंगे, आप वहां पे फ्रिज का पानी लगाएंगे, या फिर आप वहां पे नॉर्मल रनिंग वाटर जो होता है, नल जो पानी आता है उसको लगाएंगे. मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट वोटिंग करने के लिए ताकि मैं आपको इसके सही आंसर के बारे में बता सकूं और इसी साथ में सेशन बढ़ा सकूं. ओके, मेरे पास रिस्पॉन्सेज आते हैं. आज आप जुड़े हैं हमारे एक्सपर्ट जो भी जुड़े हुए हैं हमारे स्कूल प्रशासन से, स्कूल के प्रिंसिपल मैडम, टीएफ, जो भी जन जुड़े हुए हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा सभी जन फटाफट एक बार वोटिंग करें ताकि सही आंसर को लेके आगे बढ़ सकूं. ओके, लास्ट 5 सेकंड्स एवरीवन, 5, 4, 3, 2 एंड 1. ओके, तो मेरे पास आंसर आ गए हैं और मैं आंसर्स का एक बार आपको मैं रिजल्ट्स आप सभी की स्क्रीन पे देता हूं और इसका जो आंसर है वो मैं आपको टॉपिक के एंड पे बताऊंगा. तो चलिए अब मैं आगे आप सभी को बताता हूं कि सबसे पहले बर्न्स का मतलब क्या होता है. बर्न्स का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी इंजरी जिसके अंदर में हमारे स्किन को, हमारे बॉडी पार्ट को टेम्परेचर हमारे बॉडी का उससे ज्यादा गर्माहट का एक्सपोजर हो उस हम बर्न्स का संज्ञा देते हैं. ओके, बर्न्स के केस में बर्न्स बहुत अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि थर्मल तरीके से यानी कि गर्म कोई चीज जाकर बर्न्स हो सकते हैं, कल बर्न्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी को टच हो जाए डायरेक्टली अगर स्किन तो उसके अंदर में भी बर्न्स हो सकते हैं, या फिर कभी कभार रेडिएशन सोर्सेस से भी बर्न होते हैं. तो ये जो अलग अलग प्रकार के बर्न्स है उन बर्न्स के केस में क्या होता है आज मैं आपको वो भी समझाऊंगा. उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ एक फैक्ट्स बर्न्स के बारे में जो इंडिया में बहुत कॉमन है. सालाना इंडिया के अंदर में लगभग 70 लाख केसेस बर्न्स के होते हैं और उसी के साथ में 10 लाख पीपल, दे आर मोर देन 10 लाख पीपल आर मॉडरेटली और सीवियरली बर्न्ड. मॉडरेटली और सीवियरली क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, बट आप समझ लीजिए 10 लाख लोग बहुत ही ज्यादा तरीके से बर्न होते हैं एंड प्रतिवर्ष 1.5 लाख लोगों की मृत्यु बर्न्स की वजह से इंडिया में होती है. और सबसे चौंकाने वाली बात जो है इसके अंदर में वो ये है कि 70% ऑफ ऑल दी बर्न इंजरीज यानी लगभग 50 लाख केसेस बर्न्स के जो इंडिया में आते हैं वो सबसे प्रोडक्टिव एज, हमारी जो लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव एज होते हैं 15 से 35 ईयर्स का, उस एज ग्रुप के अंदर में बर्न्स सबसे ज्यादा कॉमन है. एंड उसमें भी मेजोरिटी जो होते हैं उस 50 लाख के अंदर में जो मेजोरिटी होती है वो विमेन एंड चिल्ड्रन के होते हैं. तो आज जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आज आप जो भी नॉलेज अपने साथ में घर लेके जा रहे हैं उसे अपने पेरेंट्स के साथ में जरूर से शेयर करें. एंड आप कहीं पे भी जाएं, आपको कहीं पे भी बोलने का मौका मिले 5 से 10 मिनट का, तो आप जरूर इस नॉलेज को सभी के साथ में शेयर करें बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज स्कूल स्टूडेंट्स एंड एज पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, तो चलिए बर्न्स के बारे में समझने से पहले हम लोग थोड़ी सी बायोलॉजी का क्लास का एक रिवीजन लेंगे. मैं आपको पूरी बायोलॉजी तो नहीं पढ़ाऊंगा बट जस्ट एक रिवीजन लेंगे हम लोग कि हमारे जो स्किन है वो उसको हम लोग किस तरीके से बाइफर्केट करते हैं एंड उसको किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं. सबसे ऊपर की जो सतह होती है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं जिसे हम स्किन कहते हैं, तो इसे हम बायोलॉजिकल टर्म्स में एपिडर्मिस भी कहते हैं. ओके, एपिडर्मिस के ठीक नीचे हमारा होता है डर्मिस का एरिया जहाँ पे हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं एंड हमारे जो स्किन के ऊपर में जो हेयर होते हैं उनके रूट्स भी इसी डर्मिस लेवल पे मिलते हैं हमें. उसके नीचे आता है हमारा हाइपोडर्मिस का एरिया. हाइपोडर्मिस का एरिया बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ पे हमारा जो आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स है वो वहां से गुजरती है एंड उसी के साथ में हमारा जो मसल्स है, जो लोग भी थोड़ी सी बॉडी वगैरह बनाते हैं उनके जो बाइसेप वगैरह होते हैं वो जो होता है वो उस लेवल को हम लोग हाइपोडर्मिस एरिया कहते हैं. दैट इज द पार्ट ऑफ द हाइपोडर्मिस एरिया. ओके, सो अब हम लोग ये जो स्किन की अंडरस्टैंडिंग को हम स्किन को समझ रहे हैं या हमारे जो लेयर्स ऑफ स्किन है उसको समझ रहे हैं, तो उसको समझ के हमें करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ. इससे हमें ये करना है कि हम लोग बर्न्स को किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं कि बर्न्स किस किस प्रकार के हैं, या तो फर्स्ट डिग्री का हो सकते हैं या सेकंड डिग्री का या फिर थर्ड डिग्री का. ओके, सो फर्स्ट डिग्री का बर्न का मतलब क्या होता है, जो हमारा एपिडर्मिस का एरिया, जो हमारे सबसे ऊपर वाला एरिया है वो जल जाता है. उसके जलने से क्या होता है, बेसिकली आपका स्किन रेडन हो जाएगा या ब्लैकन हो जाएगा, तो उसे हम एपिडर्मिस के ऊपर जो बर्न होता है तो उसे हम फर्स्ट डिग्री बर्न की संज्ञा देते हैं. उसी के साथ में जब एपिडर्मिस और डर्मिस यानी कि जो जहां पे स्वेट ग्लैंड्स है या जहां पे हेयर्स के रूट है हमारे वहां पे भी जलन पहुंच जाए, वहां पे भी गर्माहट पहुंच जाए, उसे हम सेकंड डिग्री बर्न की संज्ञा देते हैं. ओके, एंड उसके नीचे भी जब पहुंच जाता है
जब उसके नीचे भी बर्न पहुंच जाता है, यानी हमारे आर्टरीज वेंस एंड नर्व्स तक हमारे मन पहुंच जाता है, तो हम थर्ड डिग्री बर्न्स कहते हैं. ओके, सो ये जो थर्ड डिग्री बर्न है वो बहुत ही सिवियर बर्न है. एंड उसके बाद में जो सेकंड डिग्री बर्न है उसे हम बेसिकली मॉडरेट लेवल पे बर्न कह सकते हैं. इट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल एंड इंजरीज फॉर दी हेल्थ. सो अब हम समझेंगे कि हमें बर्न ने जब हमने क्लासिफाई कर लिया तो किस प्रकार से हमें डॉक्टर को बताना है कि सर हमें ये हो गया है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड के अंदर में, जब फर्स्ट डिग्री बर्न होता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस बच्चे के गाल के ऊपर फर्स्ट डिग्री बर्न हुआ तो उनका जो चीक वाला एरिया था वो पूरा रेड हो गया है. इसके बाद में जब सेकंड डिग्री बर्न होता है, यानी कि जब एपिडर्मिस से नीचे बह के डर्मिस तक गर्माहट आ जाती है, तो आप बेसिकली जो हम लोग हिंदी में बात करते हैं फफोले ऊपर आते हैं या ब्लिस्टर्स जाते हैं अगर मैं इंग्लिश तो. ओके, एंड उसके बाद थर्ड डिग्री बर्न के अंदर में, जहां पे बहुत ही सिवियर लेवल का बर्न होता है, हमारे मसल्स जल जाती है, हमारी आर्टरीज वेन्स जल जाती है, हमारे बॉडी के अंदर में रक्त संचार के अंदर में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है. तो ये था हमारा कि हम लोग ने बर्न को क्लासिफाई कर लिया. ओके, इसके बाद में मैं आपको एक बहुत सिंपल सा और एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक सिखाने वाला हूँ, जिसे हम लोग टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं द रूल ऑफ नाइन. रूल ऑफ नाइन का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को 9 के मल्टीपल में, या फिर मैं यूं कहूं कि 4.5 के मल्टीपल्स के अंदर में इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ताकि हम जब भी इन्फॉर्म करें किसी प्रोफेशनल टीम को या किसी डॉक्टर को कि सर हमें ये फर्स्ट डिग्री का या सेकेंड डिग्री का थर्ड डिग्री का बर्न हो गया है, तो कितने परसेंट तक बर्न हुआ है वो भी हम उनको इन्फॉर्म कर सके. उससे क्या होगा कि वो जब तक हमारे पास आएंगे वो तक अपने आप को तरीके से इक्विप कर पाएंगे कि हमें ये सामान की वहां पे आवश्यकता पड़ेगी, तो वो अपने आप को इस प्रकार से रेडी कर सकते हैं. ओके, अडल्ट से केस में जो हेड का पार्ट होता है, नेक से ऊपर का पार्ट, स्कल जिसको हम कहते हैं, ये जो स्कल का पोर्शन है उसे 9% इंपॉर्टेंस दिया गया है, 4.5% आगे एंड 4.5%. उसी के साथ में हमारे जो चेस्ट का पार्ट है, यानी कि गर्दन से नीचे का, कंधे से लेकर वेस्ट तक का, आगे और पीछे 18% यानी टोटल ऑफ 36% इंपॉर्टेंस दिया गया है. इस एरिया के अंदर में हमारे बॉडी के सारे मेजर ऑर्गन्स होते हैं. ओके, सो इसीलिए इस पार्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. अगर यहाँ पे अगर हमें बर्न हो जाता है तो हमारे ऑर्गन्स के अंदर में बहुत प्रॉब्लम्स या बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं. इसी के साथ में हमारे जो दोनों हाथ है उनको 99% इंपॉर्टेंस ईच दिया गया है, एल्बो के अबव 4.5% एंड एल्बो के बिलो 4.5%. इसी के साथ में हमारे लेग्स 18% इंपॉर्टेंस ईच दिया गया है, यानी टोटल ऑफ 36% इंपॉर्टेंस ईच. ओके, मैं चाहता हूं कि अगर कोई बता सके कि हमारे लेग्स इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है, जो भी आंसर देना चाहता है वो प्लीज अपना रेज हैंड करे जूम के ऊपर में, ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं. एनीवन हु कैन टेल कि हमारे लेग्स इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है, व्हाई आवर लेग्स हैव बीन गिवन अ 36% इंपॉर्टेंस एज द सेम एज आवर चेस्ट एंड द बैक. Anyone, any of the students, even any of the management, any teachers? All students who are attending, Khushi, Dhruv, Diksha, anyone who has a rough idea ki why our legs have been given such a importance? Anyone wants to give it a try? Okay, yeah. Khushi has raised a hand. I will request Khushi to please unmute yourself. It may be sensitive. Okay, that is partially right. Our entire body is sensitive to the heat. But talking precisely, हमारे legs के अंदर में हमारे body का, हमारा जो thigh region होता है basically, उसके अंदर में हमारे body का maximum amount of blood होता है. ओके, सो अगर वहां पे बर्निंग होती है तो हमारे पूरे बॉडी का ब्लड फ्लो जो है वो हैम्पर हो सकता है. इसीलिए हमारे लेग्स के अंदर में कभी भी बर्न हो, हमें उसे सिवियरली हमें समझना चाहिए कि वो सिवियरिटी का लेवल पे बहुत ज्यादा सिवियर है, एंड हमें उसका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट इमीडिएटली करना है. ओके, इसी के साथ में हमारे जो ग्रोइन एरिया है उसे 1% इंपॉर्टेंस दिया गया है. आगे बढ़ते हुए अगर मैं एक इन्फेंट की बात करूं, तो इन्फेंट का जो हेड वाला पार्ट होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो विकसित हो रहा है, वो एक ग्रोथ के स्टेज पे है. सो हेड बिकम्स वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सो उसका 18% इंपॉर्टेंस है. चेस्ट एंड बैक का अगेन सेम एज अडल्ट्स 18% इंपॉर्टेंस ईच, 36% इंपॉर्टेंस. दोनों हाथों का भी 9% इंपॉर्टेंस ईच, सेम एज इन केस ऑफ अडल्ट्स. इनका जो लेग्स का एरिया है उससे कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंस दिया गया है, 13.5% इंपॉर्टेंस ईच, सो अ टोटल ऑफ 27% इंपॉर्टेंस, एंड अगेन एरिया 1%.
सो अगर आप इस टेबल को, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं उसका आप स्क्रीनशॉट रखना चाहते हैं, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। एंड इवन हम लोग जब डॉक्टर्स को कंसल्ट हैं तो उनको बताने के लिए कि सर हमारे यहाँ पे इस पेशेंट को इस डिग्री का बर्न हो गया है एंड उसका इतना परसेंट तक जल है। ओके, सो अब मैं आपको समझाऊंगा कि आपको इससे सेवेरिटी ऑफ बर्न किस प्रकार से मालूम चलेगी। ओके, कि कोई बर्न माइनर है, मॉडरेट है या क्रिटिकल है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर के अंदर बताया था। तो जब फर्स्ट बर्न एंड लेस देन 50 अगर आपको बर्न हुआ, वो माइनर बर्न में कंसीडर कर सकते हैं, एंड एनीथिंग ग्रेटर देन 50% इज कंसीडर टू बी मॉडरेट बर्न। इसी के साथ में अगर सेकंड डिग्री बर्न हुआ होगा, यानी आपकी डर्मिस लेवल पहुंच गई होगी, आपके ब्लिस्टर भर के आ गए होंगे, तो वहां पे 2-15% इज अ माइनर बर्न, 15-30% इज अ मॉडरेट बर्न, ग्रेटर देन 30% इज क्रिटिकल बर्न। ओके, एंड उसी के साथ में जो थर्ड डिग्री बर्न होता है, तो एनीथिंग 200 माइनर बर्न, 2-10 मॉडरेट बर्न है, एंड एनीथिंग ग्रेटर देन 10% क्रिटिकल बर्न। थर्ड डिग्री बर्न के साथ में हमें बहुत क्रिटिकल होना पड़ता है, बहुत सीवियर लेवल का बर्न होता है, तो उसे हम जितना हैवी वेट तरीके से लें उससे बेहतर होता है। ओके, अब मैं आपको बताऊं कि अगर किसी को आग लग जाती है उसको बना कैसे है। ओके, जब आग लगती है तो आप सभी को मालूम होगा, आप सभी ने अपने साइंस क्लास में पढ़ा होगा कि आग तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से लग सकती है। फर्स्ट इज हीट, सेकंड इज ऑक्सीजन एंड थर्ड इज फ्यूल। दिस इज नोन एज द ट्रायंगल ऑफ फायर। अगर ये ट्रायंगल, ये जो तीनों आइटम मैंने आपको बताया था अभी, हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल, ये आते हैं तो फायर हो सकती है। अभी कैलिफोर्निया में फ्लड्स आए हुए, कैलिफोर्निया के अंदर में फॉरेस्ट फायर लगी हुई थी। तो वहां पे फॉरेस्ट फायर क्यों लगी थी? बिकॉज़ वहां पे वुड है, ट्रीज के अंदर में वुड होता है, विच वर्क्स एज अ फ्यूल एजेंट। ऑक्सीजन बहुत इजीली अवेलेबल है, एंड कैलिफोर्निया के अंदर में अभी गर्मी का बहुत जबरदस्त सीजन था, तो वहां पे इस हीट के वजह से वहां पे वो आग लग गई। सो ये जब तीनों चीजें एक साथ मिलती है तो आग लग सकती है। तो हमें क्या करना है कि जब हमारे बॉडी के ऊपर में किसी को आग लग जाती है या हमारे सामने किसी को आग लग गई है, तो हमें क्या करना है इमीडिएटली कि हमें एक बहुत ही सिंपल टेक्निक मैं बोलूं तो एक बहुत ही कैची टेक्निक, यानी कि स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। होता क्या है कि जब किसी के बॉडी पे आग लग जाती है तो वो आदमी एंग्जाइटी के अंदर में भागने लग जाता है एक जगह से दूसरी जगह, अरे मेरे को आग लग गई, अरे मेरे को आग लग गई, ये करते करते भागने लग जाता है। उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का प्रवाह है उस एरिया के अंदर में और बढ़ जाएगा, तो वो आग और फैल जाएगी। तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली उसे बोलना है कि आप रुको, स्टॉप हो, उसके बाद में जमीन पे लेट जाओ और जमीन पे लेट के इमीडिएटली रोल करना चालू कर दो। इससे क्या होगा, सबसे पहला आपका जो हीट मिल रहा है, जमीन उस हीट को टान के आपका बॉडी को ठंडा बना देगा, आपका जो भी कपड़ा पहना हुआ है, आपका जिस भी पार्ट में आग लगी हुई है उस पार्ट को ठंडा कर देगा, एंड सेकेंड ये धीरे धीरे ऑक्सीजन को काटने का भी काम करेगा। जो ऑक्सीजन का सप्लाई है, जैसे कि आप लोग सभी ने अपने साइंस क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर आपके ऊपर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके कैंडल को जला के उसको हम लोग एक गैस से ढक दें तो वो 1-1.5 मिनट बाद में बढ़ जाता है, जो कैंडल होता है वो जो लौ लगी हुई है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती है एंड इट कैन नॉट सस्टेन विदाउट कार्बन विदाउट द ऑक्सीजन। हमें यही टेक्निक करना है, स्टॉप एंड रोल। अगर हमें कभी आग लग जाती है, हमें भागना नहीं है एक जगह से दूसरी जगह, इमीडिएटली रुकना है एंड रोल करना चालू कर देना है। ओके, तो इससे हम हमारा जो ट्रायंगल ऑफ फायर है उसको हम लोग तोड़ने में सफल हो पाएंगे। ओके, इसके बाद तो हमने आग को रोक ली, तो हम लोग वहां पे क्या करना चाहिए? ओके, हमें करना ये है कि हमें उस जगह के आसपास में कोई भी ऑब्जेक्ट था हमारे, जहां पे सपोज कीजिए मेरे को मेरे रिस्ट आग लग गई थी, मेरे रिस्ट पे बर्न हुआ है, तो मेरे रिस्ट में अगर कोई एक्सेसरीज थी, जैसे कि आप पकड़ लीजिए ब्रेसलेट था या मेरे कोई घड़ी थी या कोई रिंग्स वगैरह पहने थे मेरे हाथ में, उन सभी को मेरे को इमीडिएटली हटा देना है। उनको क्यों हटाना है? बिकॉज वो या तो मेटेलिक होंगी या वो लेदर की होंगी या वो कपड़े की होंगी, कोई भी आइटम होगा क्या है, ज्यादा प्रोन होता है जलने के या गर्म होने के। तो सपोज कीजिए कोई मेटल का ऑब्जेक्ट है या लेदर का ऑब्जेक्ट है, वो ज्यादा गर्म हो जाएगा एंड मेरे को जहां ऑलरेडी बर्न हुआ हुआ है उसको और इरिटेशन कॉज करेगा। इसी के साथ में जो मैंने पोल लिया था स्टार्टिंग के अंदर में, उस पोल का जो रिजल्ट आया था वो मैं आपको वापस दिखाता हूं। बहुत जनों ने कहा था कि हमें जब बर्न आता है तो हमें आइस लगाना चाहिए। मैं आप सभी को बहुत ही क्लियरली बताना चाहता हूं कि हमें कभी भी आइस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपको बर्न हुआ है तो आपका जो बर्न का जो एरिया है, जहां पे भी आपको बर्न हुआ है, वो जो स्किन का टेम्परेचर है वो बहुत सीवियरली राइज कर गया है, बहुत अचानक से बहुत बढ़ गया है।
अगर हम उसके ऊपर में अचानक से बर्फ लगा देंगे तो हमारे जो सेल्स है वो हमेशा हमेशा के लिए रप्चर हो सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए हमें कभी भी वहां पर आइस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही फ्रिज के ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए। हमें करना क्या है, हमें नल को खोलना है एंड नल को खोल के हमारे जो भी बॉडी पार्ट है जहां पे भी आग लगा है वहां पे उस बॉडी पार्ट को 20 मिनट्स तक रनिंग वाटर के नीचे, रनिंग टैप वाटर के नीचे रख देना है, ओके? और हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपल इस चीज को रखना है, जहां पे भी पानी आ रहा हो नल का उस पार्ट को हम उस पानी से रख दें। जब हमने 20 मिनट तक उसको रख दिया तब तक हमें क्या करना है, उस 20 मिनट का यूटिलाइजेशन करना है, हम लोग मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज को फोन करेंगे, हम लोग डॉक्टर को फोन करेंगे कि सर हमारे यहाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे आग लग गई थी, हमारा पेशेंट को इतना बर्न हो गया है एंड हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, ओके? हम लोग चीज बता रहे हैं तो वो आपको बोलेंगे ठीक है सर हम लोग आपके रस्ते में हैं, हम लोग पहुंच रहे हैं आपके पास में। अगर हमारे पास हमें 20 मिनट हो गया है हमारा पार्ट को टैप वाटर के नीचे रखे हुए, तो हमें क्या करना है, एक सूखा साफ कपड़ा लेना है, सूखा साफ कपड़ा, आप लोग कोई लोशन का यूज नहीं करेंगे, आप लोग कोई भी सूखा साफ कपड़ा लेंगे एंड वहां जहां पर बर्न हुआ है उसकी प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग कर देंगे, ओके? फिर जो आपको चीज ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, ड्रेसिंग कर दी है तो आपको उस ड्रेसिंग को हटाना नहीं है जब तक डॉक्टर नहीं आता या डॉक्टर को नहीं खोल लेता, ठीक है? इसी के साथ में हमें जो चीजें ध्यान रखनी है उनमें से ये जो चीज मैंने आपको बताई कि हमें ड्राई ड्रेसिंग को खोलना नहीं है, डॉक्टर को खोलने देना है। इसके अलावा हमें कोई भी बर्न इंजरी को छोटा नहीं समझना चाहिए, हर कोई भी बर्न इंजरी बहुत सीवियर हो सकती है, हमें इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले वाले स्लाइड में भी कि हमें आइस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है या कोल्ड वाटर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हमारे फफोले ऊपर के आ गए हैं, हमें ब्लिस्टर्स ऊपर के आ गए हैं हमारे स्किन के ऊपर में, हमें दिख रहे हैं, तो हमें उन्हें ब्रेक नहीं करना है, उन्हें टच नहीं करना है, उन्हें एज इट इज रहने दें, उनको डॉक्टर्स को ही ट्रीट करने दें। उससे दो चीज का क्या होता है, उससे दो चीज हो सकते हैं, अगर हम लोग ब्लिस्टर्स को फोड़ लें कोई कारण से तो इन्फेक्शन हो सकता है पहला, एंड जो बर्न के मार्क्स हैं कुछ कुछ केसेस के अंदर में बर्न के मार्क्स लाइफ टाइम रह जाते हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम ब्लिस्टर्स को कवर नहीं करें। हमें ऑइंट या कोई भी स्प्रे का जब तक डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं कर देता हमें कोई भी ऑइंटमेंट कोई भी स्प्रे का यूज नहीं करना है अपार्ट फ्रॉम एलोवेरा जेल एंड नाइट्राइड जेल। इन दो ऑइंटमेंट या स्प्रेस के अलावा आप कोई भी क्रीम का प्रयोग नहीं करेंगे अगर आपको डॉक्टर ने नहीं बोला है तो, ओके? एंड जो कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया वापस रिपीट कर दे रहा हूँ कि हमें जो ड्राई ड्रेसिंग करी है अपने आपके ऊपर में वो ड्राई ड्रेसिंग को हम लोग को छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, उसका हमको डॉक्टर को वेट करना है कि जब आएंगे तो डॉक्टर अंकल ही उसको ट्रीट करेंगे, ओके? तो ये था हमारा पहला टॉपिक आज का जिसके अंदर में मैंने आपको बर्न के बारे में बताया, ओके? अब अगर कोई मेरे को एक शॉर्ट रिकैप दे सके कि हमें बर्न से केस के अंदर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एनीवन फटाफट एक बार हाथ खड़ा करके विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मिनट्स मेरे को एक शॉर्ट रिकैप। ध्रुव जी बहुत शांति से बहुत ध्यान से सुन रहे थे मेरे को, ध्रुव जी अगर आप बता पाए तो। Anyone else who is interested? They can please raise their hands. I'll unmute them. What are we supposed to do in case of burns and what are we not supposed to do? हम लोग को क्या चीज का ध्यान रखना है और क्या चीज का ध्यान नहीं रखना? Anyone? फटाफट कोई। एक भी जन नहीं है। ओके, खुशी ने वापस अपना हैंड रेज किया है, अपने आप को अनम्यूट करें खुशी जी। हेलो खुशी, कैन यू हियर मी? खुशी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा माइक को अपने आप से दूर करें। यस कंटिन्यू कंटिन्यू करें खुशी। अगर हमें हैंड पे बर्न होता है तो हमें उसको रनिंग वाटर मतलब टैप का वाटर उसको 20-25 मिनट्स तक वैसे ही रखना है और आइस नहीं लगाना है और फिर उसको एक ड्राई क्लॉथ से उसको ड्रेस करने देना है, कर देना है, फिर डॉक्टर को फोन लगा के मतलब उनको बोल देना है कि हाँ यहाँ पार्ट पे उनको बर्न हुआ है। तब तक हमें कुछ भी लगाना नहीं है, न कि उसको छेड़ना है और फिर और हम डॉक्टर के कंसल्ट से उसको जो भी हमने मेडिसिन दिए जैसे ट्यूब या उसको लगा के उसको हैंडल।
थैंक यू खुशी, दैट वाज अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प रिप्लाई, थैंक यू सो मच. और भी जिन जिन ने हाथ हैंड रेज किए थे वो लोग अपना अगले टॉपिक पे वेट करें. अगले टॉपिक के एंड पे हम लोग आपसे वापस एक जो रिव्यू लेंगे उसमें आपको बोलने का मौका मिलेगा. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. और आज के हमारे जो सेकंड टॉपिक, जैसे कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने बताया था कि हम लोग आपको स्नेक बाइट के बारे में बताएंगे. स्नेक बाइट एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है. हम लोग कभी घूमने जाते हैं, ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हैं, या हम लोग रेगिस्तान में कभी कभी रहते हैं. महाराष्ट्र के अंदर में फ्लड्स की बहुत समस्या रहती है, तो फ्लड्स के टाइम पे भी स्नेक्स बहुत सारे उभर कर बाहर आते हैं. तो हमें स्नेक बाइट को किस प्रकार से ट्रीट करना है वो जानना बहुत जरूरी है. ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं स्नेक बाइट के बारे में कुछ एक फैक्ट्स, पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर में 300 स्पीशीज ऑफ स्नेक मिलते हैं, एंड जिसके अंदर में 8% ऑफ द स्नेक स्पीशीज वेनमलेस होती है, उनमें जहर होता ही. ओनली 62 स्पीशीज ऑफ स्नेक फाउंड इन इंडिया आर वेनमस, वो जहरीले होते हैं सिर्फ 62 प्रजाति के साथ. वो भी उनकी भी नंबर्स इंडिया के अंदर में बहुत कम है. आप फैक्ट्स को देखेंगे तो इंडिया के अंदर में टोटल में 28 लाख केसेस होते हैं स्नेक बाइट एवरी ईयर, एंड उनमें से 50,000 लोगों की मृत्यु स्नेक बाइट की वजह से हो जाती है. 50,000 स्नेक बाइट से मरते हैं. तो आप लोग मेरे को पूछेंगे कि सर ये तो आप अजीब बात कर रहे हो, अगर यहाँ पे 62 स्पीसीज ऑफ स्नेक ही मिलते हैं जिनके अंदर में वेनम होता है और वो भी 50,000 लोग कैसे मर जाते हैं. तो मैं आपको बता देता हूँ कि लोग स्नेक बाइट या स्नेक के जहर से नहीं मरते, बल्कि लोग मर जाते हैं इस डर से कि हमें स्नेक ने बाइट कर लिया. उस एंग्जाइटी से मर जाते हैं कि अरे यार स्नेक ने बाइट कर लिया, अपना बचाओ. मरते हैं हार्ट अटैक से. तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है. एंड अगर मैं इसी के साथ में अगर आपको मैं कॉन्ट्रास्टिंग फैक्ट बताऊं कि जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पे 80% ऑफ द स्नेक जो मिलते हैं वो विनमस होते हैं, वो जहरीले होते हैं. वहां पे जो स्नेक बाइट से होने वाली डेथ है वो यू कैन काउंट इट ऑन योर फिंगर टिप्स, इतने कम रेट से वहां पर डेथ ड्यू टू स्नेक बाइट. तो हमें ये बहुत समझना जरूरी है कि हमें स्नेक बाइट के बारे में एग्जैक्ट प्रिसाइज नॉलेज नहीं है, हमें नॉलेज गेन करना है उसके बारे में एग्जैक्ट प्रिसाइज वाला. एंड ताकि हम हमारे कभी हम ट्रैकिंग पे जाते हैं, कभी जंगल सफारी पे जाते हैं, हम कभी और कहीं घूमने जाते हैं, अगर स्नेक ने बाइट कर लिया तो हमें किस प्रकार से उसको ट्रीट करना है, किस प्रकार से समझना है, वो समझना जरूरी है. ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर आपको स्नेक ने बाइट कर लिया तो आप इस प्रकार से डिफरेंशिएट करेंगे कोई सांप जहरीला है या जहरीला नहीं. ओके, तो ये समझने के लिए हम लोग अगले ट्रेंड की तरफ. और इस केस के अंदर आपको समझाऊंगा कि अगर कोई स्नेक बिजनेस नॉन बिजनेस है आपके समझ, अगर कोई स्नेक पॉइजनस होगा तो दो डंक दो फंग्स होंगे. ओके, जो बाइट होगा तो आपको दो पैरेलल गोल छोटे छोटे स्पॉट दिखाई देंगे जहां से आपका ब्लड निकल रहा होगा. और अगर आपको नॉन वेनमस या नॉन पॉइजनस काटा हो तो वो आपको फैंग मार्क्स नहीं दिखाई देगा. इसी के साथ में जिस स्नेक जो स्नेक पॉइजनस होगा उसकी जो प्यूपिल होगी बल्कि नॉन पॉइजनस स्नेक की राउंड प्यूपिल होगी. ओके, सो बेसिकली आंखों से नॉन पॉइजनस. ओके, इसके बाद में सबसे पहला चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें स्नेक बाइट के केस में क्या नहीं करना चाहिए. हमें सबसे पहला हमें बहुत कॉमनली कहा जाता है कि अगर बाइट कर लिया है तो आप इमीडिएटली उसके ऊपर टाइट से कपड़ा बांध लीजिए ताकि ब्लड फ्लो हो जाए. हमें कभी भी नहीं करना है. होता क्या है कि वो अगर हाथ ऊपर बैठ गया तो बहुत से पट्टी बांध देता हूँ, एक बैंड बांध देता हूँ, उससे होगा क्या कि जो जहर है वो जो जहर है वो बॉडी के आगे तो नहीं बढ़ेगा, बट वो जो जहर है वहां पे ब्लड फ्लो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा. एंड वो जहर मेरे पूरे के पूरे रिस्ट को यूजलेस बना सकता है फॉर द लाइफ टाइम. उस पार्ट को मेरे को काट के फेंकना पड़ सकता है अगर वो जहरीला सांप है. तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हम लोग कभी भी उसके पार्ट के जस्ट ऊपर वाले पार्ट में टाइट से कोई बैंड वैंड नहीं बांधे या ब्लड फ्लो रोकने की कोशिश नहीं करें. एंड सेकेंड चीज, हम लोग कोई बाबा या तांत्रिक के पास में नहीं जाएं. हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, द सेंचुरी ऑफ साइंस. सो आज हमारे पास में हर चीज का उपचार अवेलेबल है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको कोई जहर वाला सांप भी काट लेता है तो भी आपके पास में आराम से 5 से 6 घंटे का समय है. कोई आपको सांप ने काटा और अभी की अभी आपकी डेथ हो जाएगी ऐसा नहीं होता. अगर आपको हार्ट अटैक नहीं आया ऑब्वियसली, तो आपके पास में आराम से 5 से 6 घंटे का समय है कि आप डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर से आप एंटी वेनम इंजेक्शन, जो जहर का जो एंटी जहर इंजेक्शन जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी के अंदर में, वो आप लेके आपका बॉडी में जो वेनम है उसको आप अपने बॉडी से इजेक्ट करवा सकते हैं. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं.
और मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपको स्नेक ने बाइट कर लिया तो आपको क्या क्या इश्यूज क्रिएट होंगे। आना चालू हो जाएगा आपका, आपको डिजीनेस होगी, आपका सर चकराएगा, उल्टियां होने चालू हो जाएगी। अगर बहुत ही जहरीला सांप है तो आपको खून की उल्टियां होनी भी चालू हो सकती है। इसी के कारण आपको जहां पे स्नेक ने बाइट किया है उस पार्ट का, आप उस बॉडी पार्ट का आपका डिस्कलरेशन हो जाएगा। आपका जो नॉर्मल स्किन है वो नॉर्मल स्किन नहीं रहेगा, वो रेड या ग्रीन या ब्लैक कलर में टर्न आउट हो जाएगा। इसी के साथ में आपको आपकी जो पल्स है वो गिरती हुई समझ में आएगी, आपकी हार्ट बीट गिरती हुई समझ में आएगी। एंड इसी के साथ में आपको नॉजियाटिक या वॉमिटिंग वाली फीलिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, वैसा हो सकता है। एंड उसके साथ में आपको डायरिया के इश्यूज भी आना चालू हो सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग नम इन दैट एरिया। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो सारे सिम्टम्स है, उन सिम्टम्स के अंदर से हम समझ सके कि हमें स्नेक ने बाइट किया है, अगर हमें स्नेक बाइट, हम स्नेक को देखे नहीं है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को या फिर डॉक्टर्स को इमीडिएटली कॉल करेंगे। इंडिया के अंदर में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का नंबर है 108, तो हमें इमीडिएटली उनको कॉल करना है। हमें बोलना है कि सर हम लोग इस लोकेशन पे हैं एंड हमें स्नेक ने बाइट कर लिया है, आप प्लीज हमारे हेल्प के लिए किसी को भेजिए। उसके बाद में जैसा कि सेकंड पिक्चर में दिखाया गया कि मेरी जो फ्रेंड है उनको एंकल के ऊपर में स्नेक ने बाइट किया, डॉक्टर ने इमीडिएट का पार्ट उसको बेंड करके ऊपर कर दिया। इसका कोई रीजन बता सकता है मेरे को कि उस पार्ट को ऊपर क्यों किया गया? तो बेसिकली हमें ये होता है, क्योंकि कोई आंसर नहीं दे रहा है तो मैं आंसर देता हूं आपको। बेसिकली हमें करना ये है कि पार्ट को, जो भी पार्ट पे हम स्नेक ने बाइट किया है उस पार्ट के अंदर में हमें क्या 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 करना है कि उस पार्ट को हमें हमारा जो हार्ट लेवल है उसके नीचे कर देना है। हार्ट लेवल को उसके नीचे कर, उसको उस पार्ट को हार्ट लेवल के नीचे कर देना है। सपोज मेरे को हैंड में बाइट करता है स्नेक, अगर मैं हैंड को ऐसे स्ट्रेट मानूं, सपोज कीजिए मेरे को एग्जैक्टली रिस्ट के ऊपर में स्नेक ने बाइट किया है, तो मैं क्या करूंगा, अपने रिस्ट को डाउन कर दूंगा इमीडिएटली। हमारे जो पाम वाला एरिया है मैं उसको नीचे कर दूंगा। उससे क्या होगा कि जो ब्लड है वो फ्लो होकर हमारे हार्ट रीजन तक नहीं पहुंच पाएगा जहर के साथ में। नहीं तो, क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है वो हमारा पूरे बॉडी के अंदर ब्लड पंप करता है, तो उसके साथ में वो जहर भी पंप कर देगा बाई चांस, तो हम लोग उस रीजन तक नहीं पहुंचे। इसके बाद में अगर किसी के पास में स्नेक बाइट किट अवेलेबल है तो हमें स्नेक बाइट किट का प्रयोग करना चाहिए। स्नेक बाइट किट में बेसिकली होता क्या है, उसके अंदर में बेसिकली एक सिरिंज होती है जिसके ऊपर में नीडल नहीं होती, जिससे हम इंजेक्शन लगाया जाता है वो नीडल नहीं होती, बल्कि एक छोटा सा राउंड शेप का या ओवल शेप का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको, जिससे हम लोग जो जहां पे हमें स्नेक ने बाइट किया है जहां पे उसके फैंग मार्क्स हैं उसके ऊपर में उसको प्लेस करके हम लोग जैसे होली के समय पिचकारी में पानी भरते हैं ना, पानी के बाल्टी से या टब से, वैसे ही हम लोग हमारे बॉडी से वहां उस पार्ट से जहां पर में फैंग मार्क है हमारा, वहां से हम लोग ब्लड को निकालने का या जहर को निकालने का प्रयोग करते हैं, वो उस पार्ट को जहर को निकाल देते हैं उस चीज से। ओके, तो आप लोग बोलोगे सर अगर हमारे पास स्नेक बाइट के लिए अवेलेबल नहीं है तो मैं तो मुंह से भी निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, ये तो एकदम बहुत इजी सा चीज है, हमें खाली सक करना है उसको और कुछ तो करना नहीं है। बट हम लोग ध्यान रखें कि हम लोग कभी भी ऐसा कोई भी काम नहीं करें, बिकॉज सामने वाले के कोई और बीमारी भी हो सकती है, तो वो जो बीमारी है वो ब्लड के साथ में ट्रांसमिट होकर हमारे अंदर आ सकती है। सेकेंड चीज कि वहां पे जहर था, कोई ऑनी पौनी चीज नहीं थी, जहर था, तो वो जहर अगर हमारे बॉडी के अंदर में आ गया तो हमारी डेथ हो सकती है। हम उसको तो बचाने गए लेकिन हम लोग खुद मर के आ गए वहां से, तो हमें वैसा कोई काम नहीं करना है। हमको मुंह से कभी नहीं निकालने की कोशिश करनी है। अगर स्नेक बाइट किट अवेलेबल है तो हम लोग स्नेक बाइट किट का प्रयोग करेंगे, और अगर स्नेक बाइट किट अवेलेबल नहीं है तो हम लोग वेट करेंगे डॉक्टर का वहां पे आने का। तब तक क्या करेंगे, हम लोग डिटर्जेंट या सोप वाटर से अपने उस पार्ट को वॉश करने की कोशिश करेंगे, उस पार्ट को धो लेंगे ताकि कोई भी इन्फेक्शन वहां पे नहीं हो, क्योंकि वहां से ब्लड निकल रहा होगा, दैट एरिया विल बी प्रोन टू अ लॉट ऑफ इन्फेक्शंस और जर्म्स, सो वहां पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो। उसके लिए हम लोग उसको सोप वाटर या डिटर्जेंट वाटर से धो लेंगे। इसके बाद में हमको उसकी प्रॉपर अच्छे तरीके से बैंडेजिंग करनी है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इस चीज के अंदर में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे फ्रेंड को एंकल पे सांप ने काटा था, तो अभी उसकी जो बैंडेजिंग है वो मैंने कुछ इस प्रकार से की है। मैंने उसको प्रॉपर पूरा टो से लेकर नी तक उसको प्रॉपर टाइटली बैंडेज कर दिया है ताकि उसको कोई इन्फेक्शन भी नहीं हो, एंड उसका पूरा जो एरिया है वहां पे ब्लड फ्लो जो है वो थोड़ा स्लो रहे। इससे क्या उसकी भी जान बच जाएगी एंड उसके पास भी समय मिल जाएगा डॉक्टर को, जब तक वो डॉक्टर पहुंचता है हमारे पास में हमें ठीक करने के लिए। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इफेक्टिव तरीका है स्नेक बाइट से बचने का, स्नेक बाइट में हमारी जान ना जाए उससे बचने का। ओके, एनीवन हैज क्वेश्चन? आई थिंक दीक्षा हैज सम क्वेश्चन। दीक्षा रामकृष्ण, डू यू हैव सम क्वेश्चन? यू हैव रेज्ड योर हैंड, इफ यस तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।
सर मुझे भी स्नेक बाइट हुआ है. एंड जब मुझे स्नेक बाइट हुआ था तब आपने जो बोला कि वहाँ पे बांधना नहीं है और मेरी मम्मी ने वहाँ पे बांध दिया था. हम उसके ऊपर. हाँ तो इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना है कि उस समय हो सकता है कि आपकी जो मम्मी है उनको उस चीज का आइडिया नहीं हो. आज से आप उनको बता दें कि अगर स्नेक बाइट होता है तो हमें उस पार्ट के ऊपर वाला पार्ट के अंदर में कभी भी बांधना नहीं चाहिए. बिकॉज अगर जहरीला होगा वो सांप, वो जो जहर है उस बॉडी पार्ट में. आपको कहाँ काटा था स्नेक ने? मुझे ना नीचे जो हमारी नी होती ना उस एरिया पे. हाँ तो नी वाले एरिया में आपको काटा था स्नेक ने. तो आपको क्या है कि प्रॉब्लम हो सकता था अगर मतलब अगर आपको थाइस के रीजन में आंटी ने बांधा होगा उस बैंड को अच्छे तरीके से. तो अगर अगर सांप का जहर बहुत स्ट्रांग होता तो हो सकता है कि आपके नीज वाले नी के नीचे वाले एरिया के अंदर में कॉम्प्लिकेशन सिवियर हो जाते हैं. तो आज आप अपनी मम्मी को चीज बताएंगे कि हमें आज ये सिखाया गया है कि हमें कभी भी उसके ऊपर वाले पार्ट में बांधना नहीं है. एंड हमें उसे हमेशा किस तरीके से बैंडेजिंग करना है उसका फोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें एंड उसको मम्मी को दिखाएं कि हमें इस तरीके से इसको बैंडेजिंग करनी होती है नेक्स्ट टाइम से. ओके, आई होप किसी के साथ में स्नेक बाइट की घटना बट बाय चांस हो जाती है तो हमें उस चीज का किस प्रकार से. मैंने उसके पूंछ पे पैर रख दिया था. ओके, तो अगले बार से आप भी ध्यान रखेंगे कि आप भी ऐसे ध्यान देके चलेंगे जमीन के ऊपर में कि आपको स्नेक के पांव नहीं रखने या कोई जानवर के ऊपर में पांव रखे पांव नहीं रखे. सर आप बोल रहे थे ना फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. थैंक यू दीक्षा फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. वी विल नाउ मूव ऑन टू आवर सेकंड टॉपिक, बेसिकली आवर थर्ड टॉपिक फ्रॉम हियर. आपको शायद स्नेक बाइट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. स्नेक बाइट के बाद में हम लोग बात करेंगे ब्लीडिंग के बारे में. ब्लीडिंग बहुत ही कॉमन टॉपिक है एंड बहुत जनों को बहुत कभी कभी बहुत बहुत सारे रीजन से ब्लीडिंग हो जाती है, कट जाता है, लग जाती है, उस तरीके से ब्लीडिंग हो सकता है. तो मैं वापस आप सभी से एक शॉर्ट पोल लेना चाहूंगा. ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर में पोल कि हमारे बॉडी के अंदर में कितना ब्लड होता है. हाउ मच डज एज एन डज एवरेज ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 5 liters, 10 liters और 15 liters. हमारे बॉडी के अंदर में कितना खून होता है. सभी को ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है. सभी से रिक्वेस्ट करूंगा सभी को फटाफट आंसर करें इसका. 5 liters, 10 liters या 15 liters अप्रोक्सीमेटली कितना होता है. एंड इसके बाद में मैं आपको एक फैक्ट भी बताऊंगा आपको ये चीज बताने के बाद में. फटाफट लास्ट 5 seconds एवरीवन कम ऑन. 5, 4, 3, 2, 1 एंड वी एंड द पोल हियर. ओके, ओ यहाँ पे हमारे पास में कुछ एक जन है जिन्होंने आंसर किया कि 10 liters खून भी होता है और 15 liters खून भी होता है. सर हमारे बॉडी के अंदर में एवरेज में 5 liters ही खून होता है, 5 से 6 liters ही खून होता है. ओके, एंड हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा बॉडी वेट कुछ भी हो इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट हमारे बॉडी के अंदर में 5 to 6 liters ही ब्लड होगा. उसके बाद में जो भी हमारे बॉडी के अंदर में अगर सपोज कीजिए मेरे जैसा कोई आदमी है जिसका हाइट आप पकड़ लीजिए 5'11" या 6 feet के आसपास है और उनका वजन अगर 120 kgs है तो भी उनके बॉडी में 5 या 6 liters ही खून होगा. और मेरा वेट अगर 65-70 kgs है तो भी मेरे बॉडी में 5 to 6 liters ही खून होगा. बाकी जो एक्स्ट्रा है 50 kilo वो चर्बी है आपके शरीर के अंदर में. तो आपको उसको उस पर वर्कआउट करना है. हम लोग इस चीज के बारे में क्यों बात कर रहे थे बिकॉज ब्लीडिंग के केस में क्या होता है कि हमारे बॉडी से बहुत एक्सेसिव ब्लड बह जाता है. हमें उसे बचाने की आवश्यकता है. जैसे कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय ने बताया आपको कि हम लोग रक्तदान करके बहुत इम्पोर्टेंट एक सोसाइटी की सेवा करने का प्रयास करते हैं. तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम हमारे ब्लड को बचा सकें एंड जहाँ दरकार है जिसको दरकार है उसको हम लोग रक्तदान के द्वारा रक्त दे सकें. ओके, और अब मैं आप सभी से एक छोटी सी एक्टिविटी कराना चाहूंगा. एक छोटा सा एक्टिविटी सभी को अपना फटाफट एक बार प्लीज अपने आप को अपने कैमरास प्लीज ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपके एनर्जेटिक चेहरे एक बार वापस देख सकूं. एवरीवन, यस, एनीवन फ्रॉम क्लास 6 or 7, 5, 6, 7, एनी स्टूडेंट 5, 6, 7 से या उससे कम क्लास के भी होंगे तो भी वर्क करेगा मेरे लिए. युक्ता जी गायब हो गई. युक्ता जी है यहाँ पे. युक्ता जी can you hear me? yes sir. you are from which class? sir 7th. okay 7th, good. so आपको करना क्या है कि हम लोग जब एक एक्टिविटी करेंगे आपको हमारे साथ में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है. उसके साथ में आपको मैं एक एडिशनली एक मैथमेटिक चैलेंज दूंगा. ओके, हम लोग क्या करेंगे कि हमारे एक हाथ को
हम लोग अपने दोनों में से कोई एक हाथ को हैंड रेज कर लेंगे ऊपर, एंड तब तक युक्ता जी आपको 60 से लेकर 1 तक फटाफट काउंट करना है। देखिए आपकी मैथ टीचर भी आज हमारे साथ में सेशन में है, तो आप अच्छे से काउंट कीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में झाड़ पड़ेगी स्कूल में जाके। अभी आपको 60 से 1 तक आप प्लीज अपना कैमरा भी टर्न ऑन कर लीजिए युक्ता जी। यस, एंड प्लीज यू हैव टू काउंट रिवर्स फ्रॉम 60 to 1, तब तक हम लोग हमारा हैंड रेज रखेंगे। एवरीवन अपना अपना एक एक हाथ ऊपर कर लें, एंड युक्ता जी प्लीज स्टार्ट काउंटिंग। 60, 59, 58, 57, 56, 55, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 32, 31, 30, 29, 28, 30, 27, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27। युक्ता जी आप काफी स्लो कर रही है, लेकिन हमारा काम हो जाएगा, आपने एक मिनट के अंदर में 30 तक काउंट किया, प्रिंसिपल मैम ने हमारे साथ में पार्टिसिपेट किया। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब अपने हाथ नीचे कर लीजिए, एंड अब अपने दोनों पाम के कलर को कंपेयर कीजिए, अपने दोनों जो पाम थे उनके पाम को उनको कलर को कंपेयर कीजिए। आप देखेंगे कि आपने जिस हाथ को रेज करके रखा था उस हाथ का जो पाम है वो थोड़ा सा पेलिश हो गया है, वहां पे वो जो कलर है उसका वो नॉर्मल आपका पाम का कलर नहीं रहा, वो थोड़ा सा पेल हो गया है। ओके, इसका रीजन कोई बता सकता है मेरे को फटाक से कि ये हमारा पाम का कलर थोड़ा सा पेल या येलोइश क्यों हो गया? एनीवन? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अगेन दीक्षा इज हियर टू आंसर। दीक्षा जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। सॉरी, ओके, वी हैव समवन भूवी एंड सिद्धि। भूवी एंड सिद्धि प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, एंड आंसर मी, व्हाई डज इट हैपन कि हमारा जो हैंड का कलर था जिसको हमने ऊपर कर रखा था वो पेल हो गया थोड़ा सा? सर, हमने ऊपर रखा था तो जिससे हमारे पाम में जो ब्लड था वो थोड़ा नीचे सप्लाई हो गया। वेरी गुड, एंड हमारा जो ब्लड फ्लो है वो हमारे पाम तक पहुंच ही नहीं पाया। तो ये चीज, ये जो एक्टिविटी कराई, ये एक्टिविटी का क्या कारण है वो मैं आपको बताऊंगा, और वो आपको ब्लीडिंग रोकने में किस प्रकार से सहायता करता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो चलिए हम लोग वापस अपने सेशन की तरफ जाते हैं, एंड मैं आपको वापस बताता हूँ कि हमने जो ब्लीडिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था उस केस के अंदर में हमें क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सो जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया कि हमारे बॉडी के अंदर में 5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है एवरेज पे, इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर वेट। सेकेंडली, ब्लड का इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे बॉडी के अंदर में? ब्लड का जो मेजर इंपॉर्टेंस है वो इसलिए है क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर में जो हमारा हार्ट ऑक्सीजन लेता है उसको सप्लाई करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड वेरियस बॉडी पार्ट से उठा के वापस हार्ट तक लेके आता है ताकि हम उसको एक्सहेल कर सकें। उसी के साथ में हमारे बॉडी के अंदर में जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अलग अलग जो सेक्रीशंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, उसको जहां जहां पर जरूरत है वहां वहां पर उसको पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये बहुत ही समझना आवश्यक है हमारे बॉडी के अंदर में कि हमारे बॉडी के अंदर में जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एंड जैसा कि मैंने आपको बर्न्स के टाइम में बताया था कि हमारे बॉडी का जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड होता है वो हमारे थाइस के रीजन में होता है। Like around 60% of the entire blood of our human body contains in our thighs. So thighs is a very important part. वहाँ पे कभी चोट वोट लग जाए तो आपको बहुत सीवियरली उसको ट्रीट करना चाहिए, उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो एक क्रिटिकल कंडीशन है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ पल्स लोकेशन के बारे में। हमारे बॉडी के अंदर में वेरियस पल्स लोकेशन होते हैं। पल्स लोकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप देखते होंगे कि आपका जो आप जहां पे भी रहते हैं, जिस भी बिल्डिंग में या जिस भी कॉम्प्लेक्स के अंदर में रहते हैं, वहां पे पानी की सप्लाई कैसे होती है? पहले ना जो पंप, जो टंकी है आपके घर के ऊपर में, बिल्डिंग के ऊपर में, वहां से एक मेन पाइप निकलता है, एक या दो मेन पाइप निकलते हैं अलग अलग विंग्स में जाने के लिए, एंड वहां से छोटे छोटे पाइप्स आप सभी के घरों में अलग अलग करके आते हैं। ओके, सो वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है। हमारे बॉडी के अंदर में कुछ मेन वेन्स होती है, उससे छोटी 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 वेन्स और निकलती है या नर्व्स और निकलती है, और वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ब्लड सप्लाई को कैटर करती है। ओके, सो सबसे पहला जो एक हमारा वेन होता है या पल्स लोकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होता है हमारा कैरोटिड पल्स, जो हमारे चिन के ठीक नीचे वाला एरिया के अंदर में, इस रीजन के अंदर में होता है। एग्जैक्टली, यू कैन सी हियर कैरोटिड पल्स। ओके, आपके जो चीक बोन है उसके ठीक नीचे यहाँ पे होता है।
अगर आप हाथ लगा के शांति से सुनेंगे अपने आप को, आपके हाथ को जोर से दबा के रखें दो उंगली से, आपको वहां पे आपकी हार्ट बीट समझ में आएगी। इसके बाद में होता है हमारा रेडियल पल्स। रेडियल पल्स हमारे रिस्ट के ऊपर में होता है, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे डॉक्टर्स एग्जैक्टली उस पार्ट के अंदर में वहां पे प्रेस करते हैं, इस पार्ट के अंदर में। अगर मैं आपको प्रिसाइसली बताना चाहूँ तो जी यू कैन सी इट हियर, राइट हियर, ओके। सो हियर इज आवर रेडियल पल्स। रेडियल पल्स कहाँ से आती है? वो हमारे जो शोल्डर से एक ब्रेशियल पल्स आती है। किसी अगर बॉडी लीन है तो अगर अपने बाइसेप को टाइट करें तो वहां पे आपको एक ग्रीन कलर की वेन या एक ब्लूइश कलर की वेन आराम से दिखाई देगी। और कोई अगर नॉर्मल हैंड को भी स्ट्रेच कर रखता है एक मिनट तक तो उनको वहां पे भी एक ब्लूइश कलर की एक वेन जो है वो समझ में आएगी। तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रेशियल पल्स, जो एल्बो के नीचे आने के बाद बाइफर्केट होकर दो रेडियल पल्स में डिवाइड हो जाती है। इसी के साथ में हमारी एक होती है फेमोरल पल्स, जो हमारे इनर थाइज में होती है, ओके। सो ये जो अलग अलग पल्स लोकेशन है वो भी हमारी ब्लीडिंग रोकने में सहायता करते हैं। सो अगर हमें ब्लीडिंग हो रही है तो हमें इमीडिएट क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले डॉक्टर को कॉल करना है कि सर हमारे यहाँ पे इस जगह पे चोट लग गई है, ये पेशेंट है, इसकी एज ये है। मैं आपको लाइव लोकेशन भेज दे रहा हूँ, आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, मैं आपको लाइव लोकेशन भेज दे रहा हूँ, आप फटाफट पहुंच जाइए हमारी सहायता करने के लिए। इसके बाद में क्या करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे फ्रेंड को हाथ के अंदर में ब्लीडिंग हो रही है, तो हमारे कैडेट वहां पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहला चीज आप क्या नोटिस करेंगे कि उन्होंने सबसे पहले ग्लव्स पहन लिया है। तो जब उनको हाथ पे या ब्लीडिंग का ऐसा कोई भी हम काम करते हैं तो हमें इमीडिएटली ग्लव्स या साफ कपड़ा पहन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं जो उस पार्ट के अंदर में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं लेटर। सो हमें इमीडिएटली ग्लव्स पहन लेना चाहिए। उसी के साथ में जो एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया था कि हमने हाथ ऊंचा कर लिया था, उससे हमारा ब्लड फ्लो जो है वो वहां तक पहुंचा ही नहीं, सेम उन्होंने इस केस में भी यही किया है कि उनके हाथ को हार्ट के लेवल से ऊंचा कर लिया है। हार्ट लेवल से ऊंचा करने की वजह से वहां तक ब्लड फ्लो पहुंच ही नहीं रहा, तो ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली धीरे हो जाएगा। इसके बाद में आप देख रहे होंगे कि वो दो तरीके से ब्लड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट प्रेशर का, कि उन्होंने वुंड के ऊपर में अपना हाथ दे रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं उनका राइट हैंड वुंड के एकदम एग्जैक्ट ऊपर में दबा के रखा है। दूसरा वो प्रेशर पॉइंट का यूज करते हुए, जो कि मैंने आपको बताया था ब्रेशियल पल्स जो मैंने आपको बताया था जो आपके बाइसेप पे होती है, उसको प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर मेन वेन में ही खून धीरे धीरे आएगा या नहीं आएगा तो ब्लड फ्लो अपने आप थोड़ी देर में रुक जाएगा। इसी के साथ में ब्लड की ना एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। ब्लड क्या होता है कि अपने आप जमने वाला होता है। अगर आपको छोटा सा माइनर सा कट होगा, अगर आप नोटिस करेंगे, आप उसको इमीडिएटली ट्रीट नहीं करें तो 2 से 3 मिनट या 5 मिनट बाद के अंदर में वो अपने आप जम जाता है और आपका ब्लड फ्लो इमीडिएट रुक जाता है। तो ये एक ब्लड की एडिटिव प्रॉपर्टी, इसको हम लोग कह सकते हैं, या एक कलेक्शन प्रॉपर्टी होती है अपने आप, क्योंकि ब्लड के सेल्स जो होते हैं वो अपने आप को कलेक्ट करके सॉलिडिफाई कर लेते हैं और उस वुंड को घेर कर बंद कर देते हैं, ओके। सो ये हमने कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि 4 तरीके से आप जो है ब्लड फ्लो को रोक सकते हैं। पहला तरीका क्या है, डायरेक्ट प्रेशर का, कि आपको जहां पे चोट आई है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस केस के अंदर में हमारा जो पेशेंट है उसको नी के नीचे चोट लगी है, नी के नीचे उसको कटा है, तो उसको हम लोग किस प्रकार से ब्लड फ्लो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला तरीका जो है डायरेक्ट प्रेशर का, कि हमने सूखा कपड़ा रख के उसके ऊपर में ब्लड फ्लो रोकने का कोशिश किया। इस केस में हम लोग करना क्या है कि हमें एक साफ कपड़ा लेना है, साफ सूखा कपड़ा लेना है एंड उसको दबा के रखना है। अगर ब्लड फ्लो बहुत सिवियर है तो हमें उस कपड़े को हटाना नहीं, अगर वो कपड़ा पूरा खून से सन भी गया है तो हमें उस कपड़े को हटाना नहीं है, हमें उसके ऊपर में एक दूसरा कपड़ा रख देना है, ओके, ताकि हम उसको ब्लड फ्लो को रोक सकें। सेकेंड तरीका है प्रेशर पॉइंट, जो कि मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी के अंदर में अलग अलग पल्स लोकेशन होते हैं, कैरोटिड पल्स, ब्रेशियल पल्स, रेडियल पल्स एंड फेमोरल पल्स। हम लोग उस प्रेशर पॉइंट का यूज करते हुए उन वेन्स को प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे ताकि ब्लड फ्लो उस पार्ट में हो ही ना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं राइट वाली पिक्चर के अंदर में कि जो हमारे कैडेट हैं वो फेमोरल पल्स को प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड तरीका है एलिवेशन का, जो हमने सीखा अपने एक्टिविटी के अंदर में कि हम लोग उस बॉडी पार्ट को हमारे हार्ट के ऊपर रेज कर देंगे। एलिवेट करने से क्या होगा कि ब्लड फ्लो उस पार्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा एंड ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली धीरे हो जाएगा। एंड द फोर्थ मेथड इज टॉर्निकेट करना या टॉर्निकेटिंग। सो जो कि मैंने आपको मना किया था आपका जब स्नेक बाइट हुआ था तब, कि आपको आपको उस पार्ट के ऊपर बांधना नहीं चाहिए, वो मैं आपको अब बोलूंगा करने के लिए। उसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में कहते हैं टॉर्निकेट करना। सपोज कीजिए हमारे जो फ्रेंड है उसको नी में चोट लगी थी, तो हमने उनके थाई के रीजन में उनको अच्छी तरीके से टाइटली बांध दिया है ताकि ब्लड फ्लो इमीडिएटली कम हो जाए। बट हम ये चीज ध्यान रखें कि इसका हम तभी प्रयोग करेंगे जब ब्लड फ्लो काफी सिवियर होगा, हैवी ब्लड लॉस हो रहा है, तभी हम इस टॉर्निकेटिंग मेथड का यूज करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट यूज द टॉर्निकेटिंग मेथड। सो
we have learned four methods how to control blood flow. Okay, first method is direct pressure, second method is pressure point, third method is elevation, and fourth method is tourniquet karna. Okay, so ye alag alag tarike se hum log blood flow ko rokne mein saksham hain, and hum log uske baad mein doctor ka wait karenge. Doctor ke aate hi doctor us situation ko take over karke apna treatment start kar denge. Okay, एक और जो समस्या जो हमारे वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर में बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, बॉम्बे, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, पूरे एरिया के अंदर में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो नोज ब्लीडिंग बहुत कॉमन चीज है. नाक से खून बहना बहुत ही कॉमन चीज है. तो नाक से जब खून बहता है तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू इन केस ऑफ नोज ब्लीड. कोई भी मेरे को अगर ये बता पाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि हमें नोज ब्लीडिंग के केस में क्या करना चाहिए. हमें अपने हेड को आगे की तरफ टिल्ट करना चाहिए या पीछे की तरफ टिल्ट करना चाहिए. एनीवन फर्स्ट यू कैन आंसर द पोल. आई विल बी वेरी वेरी ग्लैड टू गेट द राइट आंसर. ओके, आई हैव स्टार्टेड टू गेट द राइट आंसर्स. टिल्ट द हेड बैकवर्ड्स, ओके, एंड टिल्ट द हेड फॉरवर्ड, ओके. आई विल आस्क द रीजन कि ये हमें क्यों करना चाहिए, आगे करना है या पीछे करना है, क्यों करना चाहिए. Everybody is answering. I'll want everybody to answer faster. Okay, last 5 seconds, everyone. 5, 4, 3, 2, and 1. Just a moment, everyone. Just a moment. तो हमारे पास में जो पोल का जो रिजल्ट आया है वो मैं आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ. 85% लोगों ने आई गेस आउट ऑफ 85% लोग जो अभी हमारा ये कर रहे हैं, सेशन अटेंड कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमें हमारे हेड को पीछे बेंड करना चाहिए. एंड सिर्फ 15% लोगों ने कहा है कि हमें हमारे हेड को आगे की तरफ बेंड करना चाहिए. या 15%, ओह शॉकिंग. सो जी हाँ, इसका राइट आंसर, प्रीति जी आपने अपना हाथ रेस किया है, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकती हैं. ओके, सो चलिए आगे बढ़ता हूँ एंड मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ कि हमें कभी भी नोज ब्लीडिंग के टाइम में हमारा हेड पीछे की तरफ बेंड नहीं करना चाहिए, हमेशा आगे की तरफ बेंड करना चाहिए. क्यों करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ. देखिए, ब्लड फ्लो क्या होता है, जब हमारा नोज ब्लीड हो रहा है तब होता यह है कि हमारा ब्रेन के अंदर में ऐसा कोई अटैक हुआ होगा या हमारे ब्रेन के अंदर में उस ब्लड की आवश्यकता फील नहीं की होगी, तो वो उसने हमारे उस पार्ट ऑफ ब्लड को इजेक्ट कर दिया है, फेंक दिया हमारे बॉडी के बाहर. अगर हम उसको जबरदस्ती हमारे बॉडी में रखेंगे, हम हमारे माथे को पीछे करके उस ब्लड को बहने नहीं देंगे, तो होगा ये, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्लड की एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, कलेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, तो वो क्या होगा, वो हमारे नेजल कैविटी में जम जाएगा एंड वो हमारे ब्रीथ के साथ में हमारे गले में जाके हमें चोकिंग कॉज कर सकता है. इसके साथ ही जैसे कि अगर आप देखते होंगे कि अगर आप कोई सीडी है आपके लैपटॉप से या पीसी से, अगर आप सीडी को आप कंप्यूटर से इजेक्ट करते हैं एंड इजेक्ट करने के बाद अगर आप सीडी को निकाले बिना आप उसको वापस जोर से धक्का देते हैं तो आपका जो सीडी प्लेयर है उसको 2 मिनट टाइम लगता है वापस उसको लेने के अंदर में. सेम तरीका होता है हमारा बॉडी, अगर हमारा बॉडी कोई चीज को इजेक्ट कर रहा है उसको हम लोग इजेक्ट नहीं करने थे तो वो एक प्रॉब्लम का चीज कॉज करेगा हमारे बॉडी के अंदर में. तो हमें हमेशा ट्राई करना है कि वो नोज ब्लीडिंग होता रहे, रुके नहीं, हमारे हमें पीछे नहीं करना, उसे रोकने की जबरदस्ती प्रयास नहीं करना है. तो अब आप बोलेंगे सर कि फिर हम लोग इस केस में करें क्या, तो हमें करना बहुत सिंपल सा काम है. हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सूखा साफ कपड़ा अपने नाक के नीचे रख लेना है ताकि ब्लड इधर उधर नहीं फैले, पहला चीज. सेकेंड चीज कि हमारा जो नोज बोन है, जो नाक की जो बोन होती है हमारी, सभी को अपने नाक के नोज बोन जो होती है ऊपर में, उसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे, बोन को एकदम ऊपर वाले पार्ट में जो नोज बोन होती है उसको धीरे धीरे प्रेस करने की कोशिश करेंगे. मुंह नीचे रखेंगे एंड नोज को धीरे धीरे प्रेस करने की कोशिश करेंगे. इससे क्या होगा कि 2 से 5 मिनट के अंदर में हमारा जो ब्लड फ्लो है वो धीमा होके रुक जाएगा. ओके, एंड जब भी नोज ब्लीडिंग हो हमें ध्यान रखना है कि हमें इमीडिएटली डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है, बिकॉज नोज ब्लीडिंग बहुत सारे कारणों से हो सकती है. कभी कभी जब प्रेशर बहुत हाई हो जाता है अचानक से, सडनली प्रेशर एज रीजन, एंड अगर आपको ब्लड फ्लो नहीं होता है तो आपको पैरालिसिस का अटैक, सेरेब्रल अटैक्स आ सकते हैं. सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नोज ब्लीडिंग क्यों हुई उसकी जाँच करना बहुत आवश्यक है. जो ब्लड क्लॉट्स बोलते हैं हमारे ब्रेन के अंदर में वो फॉर्म हो सकते हैं नोज ब्लीडिंग अगर नहीं हो टाइम पे, तो हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि अगर
किसी की कोई ऑब्जेक्ट अगर आपके बॉडी में फंस जाता है, आपने आप कोई चीज से खेल रहे थे या आप अपनी मम्मी को हेल्प कर रहे थे या कोई क्राफ्ट का काम कर रहे थे, आप सीजर का यूज कर रहे थे, आप नाइफ का यूज कर रहे थे, एंड आपको अचानक से उस पार्ट के ऊपर आपका हाथ जोर से गिर गया और वो खड़ा था, सपोज कीजिए आपका नाइफ खड़ा था या आपका सीजर खड़ा था एंड उसके ऊपर आपका हाथ जोर से गिर गया, तो आपका कट के अंदर में, आपके वुंड के अंदर में वो सीजर या नाइफ घुस के रह जाएगा। तो हमें तब क्या करना है, हमें कोई भी मूवी का काम नहीं करना है, हमें बाहुबली नहीं बनना है, बाहुबली तो नहीं, बाहुबली को जिसने मारा था नाम भूल गया उसका मैं, कटप्पा, हाँ जी हाँ कटप्पा वाला काम नहीं करना है, तलवार घुसा के निकालना नहीं है कभी भी, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे बॉडी में घुस गया है उसको निकालने का प्रयास नहीं करना है वापस, हमें क्या करना है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसको वहीं एज इट इज हम होल्ड करके रखें, उसका प्रयास करेंगे हम लोग। ओके, हम लोग कभी भी ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे कि हम लोग उस ऑब्जेक्ट को निकाल दें, उससे क्या होगा कि हमारे कुछ और वेन्स, कुछ और ऑब्जेक्ट और कुछ और ऑर्गन्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं हमारे, तो हमें कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना है कि कोई और डैमेज कॉज हो, हमें बल्कि ट्राई करना है कि हम उसको पट्टी से बांध बूंद के अच्छी तरीके से उसको स्टेबलाइज कर सके ताकि वो ज्यादा हिले नहीं उस पार्ट के अंदर में, और जो वुंड है वो सिवियर नहीं हो जाए, जो जो चोट लगी है वो और सिवियर नहीं हो जाए। ओके, एंड हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास में जाना है, डॉक्टर उसको किस प्रकार से निकालना है, किस तरीके से निकालना है वो डॉक्टर आपको एग्जैक्टली बता पाएंगे एंड वो डॉक्टर आपकी सहायता करेंगे। ओके, ये सब थे एक्सटर्नल ब्लीडिंग। इसके बाद में मैं आता हूँ इंटरनल ब्लीडिंग के अंदर में कि हमें इंटरनल ब्लीडिंग के केस में क्या करना है। इंटरनल ब्लीडिंग के केस के अंदर में हमें क्या होता है बेसिकली कि हमारे बॉडी के अंदर में नस फट जाती है बट वो ब्लड जो है वो हमारे बॉडी के बाहर नहीं आ रहा होता। तो वो समझने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि हमारा जो बॉडी पार्ट है जहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होगी उस पार्ट का आपका डिस्कलरेशन हो जाएगा, आपको वहाँ पे बहुत हैवी हैवी सा फील होगा, बहुत पेन हो रहा होगा आपको, इसके साथ में आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, आपका माथा जो है वो हल्का हल्का फील होने लग जाएगा। तो ये कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है इंटरनल ब्लीडिंग के। आपको करना क्या है, उस जगह पे आइस पैक लगाना है, आपके जो फ्रेंड है जिनको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है कि सर आपको कुछ नहीं हुआ है, आप एकदम ठीक हो, आप डॉक्टर के पास जाएंगे एंड वो आपको एकदम फटाफट ठीक कर देगा, तो आपको टेंशन नहीं लेने का, आप एकदम आइस लगाओ और एकदम चिल रहो, ठीक है। एंड उसी के साथ में हम लोग डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे कि हमें इंटरनल ब्लीडिंग क्यों हुई, बहुत सारे वेरियस रीजन से हो सकती है, कभी कभी सिवियर रीजन भी होते हैं, कभी कभी बहुत छोटे मोटे रीजन से भी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, तो हमें इंटरनल ब्लीडिंग क्यों हुई वो हमें डॉक्टर्स एग्जैक्टली गाइड कर पाएंगे एंड हमें किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करना है उसकी भी उसके बारे में भी वो हमें बता पाएंगे। ओके, सो जी हाँ, ये था हमारा अभी तक का सेशन एंड आई गेस ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक था जिसके अंदर में मैंने आपको तीन टॉपिक्स आज कवर किए मैंने आपके साथ में। पहला टॉपिक था हमारा बर्न्स का, सेकेंड टॉपिक था स्नेक बाइट का एंड थर्ड टॉपिक था ब्लीडिंग का। ओके, सो यस, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस सेशन। मैं आपके जो भी क्वेश्चंस है वो मैं एक बार लेने की कोशिश करता हूँ। आई एम सॉरी इफ माई वॉइस वॉज क्रैकिंग मिस परी। Legs have more skin than others. They have thick skin. Vishwajit, that was, I guess, wrong answer. मैंने आपको उसका right answer बता दिया है. Sir, how can we know which is poisonous and which is not? Cannot understand. ये था हमारा खुशी का question था हमारा. तो खुशी जी, मैं आपको वापस बता देता हूँ. आपका होगा ये कि पहला चीज, अगर कोई poisonous snake है तो उसके जो fang marks है, दो तो fang marks होते हैं जो आपको बहुत सारे serials में अगर आप देखोगे, आपको दिखाते हैं TV में दिखाते हैं बहुत बार कि क्या होता है कि वो जो फैंग मार्क्स है वहां से आपका ब्लड निकल रहा होता है, जो दो एकदम पैरेलल छोटे छोटे गोल गोल स्पॉट होंगे आपके स्किन के ऊपर में एंड वहां से आपका ब्लड ऊज आउट हो रहा होगा, तो वहां से आप समझ सकते हो कि वो पॉइजनस स्नेक है एंड नॉन पॉइजनस स्नेक के वो फैंग मार्क्स आपको कभी दिखाई नहीं देंगे। सेकेंड चीज, जो पॉइजनस स्नेक होता है उनकी आंखों का शेप एलिप्टिकल होता है या ओवल शेप का होता है, जबकि नॉन पॉइजनस स्नेक की जो आईज है, जो प्यूपिल है, वो राउंड शेप की होंगी। ओके, एंड इसके बाद में no Vishwajit, there will be no lecture tomorrow. Any other questions? Anyone who wants to ask me a question can ask me a question right now about any of the topics they want to get an idea about whatever we have covered today. Or iske alawa bhi agar kisi ko koi question ho to wo pooch sakta hai, wo hand raise karke apna question mere tak bhej sakta hai. Anyone? Management, principal, teachers, all the students, anyone?
लखन जी अपने आप को प्लीज अनम्यूट करें और अपना कैमरा प्लीज स्टार्ट करें एंड आपका क्वेश्चन क्या है वो हमें बताएं। सर माय क्वेश्चन इज व्हाट इफ वी एनकाउंटर अ स्नेक इन फ्रंट ऑफ अस हाउ शुड वी रिएक्ट। ओके दैट इज अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। हमें क्या करना है कि हमें कभी मूव नहीं करना है एंड उसके आईज से आईज में कॉन्टैक्ट बना के रखना है। हमें भागने की कोशिश नहीं करनी है बिकॉज स्नेक रेंगते हैं एंड हम लोग हमारे पाँव पे दौड़ेंगे तो स्नेक हमसे बहुत फास्ट होते हैं, हमारे पास में बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। तो हमें भागना नहीं है, हमें स्टेबल रहना है, स्टिल रहना है एंड आई कॉन्टैक्ट। ये कोई भी जानवर आपके सामने आ जाता है, कोई भी जंगली जानवर आपके सामने आ जाता है तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग आई कांटेक्ट, एक स्टिफ स्टबन आई कांटेक्ट कंटिन्यूसली बनाए रखें। हम अंदर से कितने भी डरे हुए हों हमारी आंखों से वो डर झलकना नहीं चाहिए। तो होता ये है कि बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि आपका जो ये स्नेक है या कोई भी जो जानवर है वो भाग जाता है अपने आप ही। वो थोड़ी देर बाद में आपको 5 मिनट तक देखेगा, 10 मिनट तक देखेगा बट उसके बाद में अपने आप चला जाएगा। तो हमें वही करना है, हमें और कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है। वहां से हम ट्राई करें कि हम ज्यादा ना चिल्लाएं, स्नेक्स अगर वैसे सुन नहीं सकते बट अगर वो सुन भी सकते हैं तो जो कोई जानवर अगर सुन सकते हैं तो हम लोग ट्राई करें कि हम लोग ना चिल्लाएं एंड भागें तो बिल्कुल भी नहीं। वहां से भागेंगे तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकता है, और भी ज्यादा सिवियर हो सकता है वो चीज़। ओके इसके अलावा या मोस्ट वेलकम, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी मैं लेने को रेडी हूँ। एनीवन और वी शैल राउंड अप आवर सेशन हियर ओनली। ओके आई गेस नो क्वेश्चंस हियर। सो श्लोक ठक्कर आर यू देयर ऑन द स्क्रीन? सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नोज ब्लीडिंग होती है तो सिर पर पानी डालो, इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू। कभी कभी क्या होता है कि गर्मी के चक्कर में आपके नोज ब्लीडिंग होती है तो आपको आपका जो सर है उसको ठंडा करना बहुत जरूरी है, तो आपको सर के ऊपर में ठंडा पानी डालना चाहिए 100% अगर वो गर्मी से हुआ है तो। अगर टेम्परेचर बहुत हाई है बाहर एंड अगर आपको लगता है कि आपको जो नोज ब्लीडिंग है वो गर्मी की वजह से हुआ है तो आप अपने सर के ऊपर में ठंडा पानी डाल सकते हैं या ठंडी पट्टियां कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने हेड को पीछे की तरफ बेंड करेंगे, आप ये काम कभी भी नहीं करेंगे। आप हमेशा अपना जो हेड है उसको नीचे की तरफ फिर टिल्ट करके रखेंगे ताकि वो जो ब्लड है वो हमेशा निकलता रहे, वो पीछे की तरफ जाके आपके नोज के अंदर में वापस ब्लॉक नहीं हो जाए, आपके बॉडी के अंदर में वापस ना चला जाए। ओके थैंक यू सो मच। कुलदीप जी ओवर टू यू। थैंक यू जय जी। छात्रों में रचनात्मक भाव और ज्ञान का आनंद जगाने वाले अब मैं आमंत्रित करूंगा प्रिंसिपल मैम दीपिका जी शर्मा को फीडबैक देने के लिए। आदरणीय दीपिका जी शर्मा। आवाज आ रही है ना मेरी? जय जी। हाँ सर आवाज आ रही है। प्रिंसिपल मैम काइंडली अनम्यूट करें अपने आपको। यस नाउ यस सर। गुड इवनिंग एवरीवन। श्री नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्री महेश बापना जी, टीटीएफ टीम एंड अवर अखिल भारतीय तेरापंथी युवक परिषद के मेंबर्स, थैंक्स रियली सर, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस एज मतलब अगर मेरी बात करें तो मुझे भी पता था कि जब नोज ब्लीडिंग होता है तो हमें अपना हेड बैक साइड करना चाहिए, बट रियली आज सर ने जैसे हमें ट्रेन किया कि नहीं इट इज रॉन्ग, तो वो मे बी हम शायद बचपन से ये सुनते आते हैं इसलिए हम शायद इसे फॉलो करते हैं। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा और डेफिनेट means your mission empowerment is found very also. तो ये छोटी छोटी सी जो आपने आज हमें इंफॉर्मेशन दिया है इनके थ्रू बच्चे न केवल अपनी हेल्प कर सकते हैं बल्कि दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, लाइफ सेवर्स बन सकते हैं। जैसे दीक्षा ने अपना एक शेयर किया कि सर मुझे भी स्नेक बाइट हुआ था, तो हमें आज ऐसा फील होता है कि नो आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस थिंग्स, बट लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है तो हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। एंड रियली इसके लिए थैंकफुल हूँ मैं सौरभ सर के लिए कि सौरभ सर ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया कि मैम हम ऐसे करते हैं, और आपके ABTYP टीम ने हमारी इतनी हेल्प की, हमारे बच्चों को टीचर्स को मोटिवेट किया कि वी कैन ऑल्सो मेक द लाइफ सेवर्स, हम खुद भी बन सकते हैं और हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं एज वेल एज हम अपनी हेल्प भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और रियली यूथ इतना आगे जा रहा है ये बहुत अच्छी बात है, और ये हमारे आने वाली जो जनरेशन हमारे बच्चे डेफिनेट ये भी इसे कैरी करेंगे
एंड आई होप कि अभी इससे कई लोग बिल्कुल अवेयर होकर चलेंगे, स्पेशली मैं तो अवेयर हुई हूँ कि कई चीजों के अंदर जैसे ब्लीडिंग होता है तो इट इज अ इंटरनल ब्लीडिंग या कैसा ब्लीडिंग है ये हमको पहले आइडेंटिफाई करना है. जैसे सर ने बताया कि काफी लोग स्नेक के काटने से नहीं मरते, डेफिनेट, क्योंकि इंडिया के कई पार्ट्स में इतने पॉइजनस स्नेक है नहीं जितने हम डर जाते हो कि हमें स्नेक ने बाइट किया है तो हम उसके डर से पहले मर जाते हैं, मे बी वो हार्ट अटैक हो सकता है. तो ये इसीलिए बहुत जरूरी है हमें अवेक होना, हमें जगना या सजग होना कि ये हमें इसके लिए डरना नहीं है, हमें इसके लिए यूज करना है अपना माइंड. और छोटी छोटी से जो सर ने ट्रिक्स दी है इसके थ्रू हम घर पर मतलब डॉक्टर के अवेलेबल होने से पहले किसी की भी जान बचा सकते हैं. तो मैंने आज रियली दो तीन चीजों में तो खुद भी, क्योंकि मैंने बचपन से सुना था कि बेटा जब भी नोज ब्लीडिंग होता है सिर ऊपर करना है, और हम अपने स्कूल में भी बच्चों का करते थे, लेकिन अब डेफिनेट नहीं होगा. हम उसके लिए अवेयर रहेंगे कि मे बी ये समर सीजन से हो रहा है या कैसे हो रहा है. जैसे सर ने बोला कि अगर हीट है तो उससे भी होता है, और कभी कभी इंटरनल इश्यूज भी होते हैं बॉडी के अंदर, तो वो जानना बहुत जरूरी है. तो मैं फिर से एक बार और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे चेयरमैन सौरभ सर का, पूरी टीम का, TTF की पूरी टीम का. और मैं बिल्कुल अश्योर करती हूँ कि मेरा स्टाफ, मेरे बच्चे और हम सब रियली इसके लिए आगे लाइफ में ध्यान रखेंगे और इस ट्रेनिंग को हमेशा याद रखेंगे. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. वो सबसे आवश्यक चीज है आज आपने, आप सभी ने जिन्होंने सेशन अटेंड किया है, आपके सभी बच्चे एक ऑर्डिनरी लेवल से ऊपर बढ़कर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे चले गए हैं. तो वो लोग सभी की सहायता करें, आप सभी जन सभी की सहायता करें और इस नॉलेज को शेयर करें, वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. रियली सर, क्योंकि हमें कभी कभी लगता है कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है मुझे कभी नहीं हुआ, बट कभी पता नहीं चलता कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो हमें हमेशा उसके लिए रेडी रहना चाहिए, कब हम किसकी हेल्प कर सकते, क्योंकि अभी कोरोना में तो सबने सीख लिया है कि हम कब किसकी हेल्प कर सकते हैं, और हमें बिल्कुल उसके लिए तैयार रहना चाहिए. तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव सर आपका ये, और थैंक यू आप, मतलब इतने यंग होने के बाद आप ये सब इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर, और हमें भी आप उसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं. थैंक यू सर. थैंक्स प्रिंसिपल मैम. अब मैं, यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी. ऐसे ही दृढ़ संकल्प के व्यक्ति संयुक्त मंत्री आनंद जी गेलड़स को आमंत्रित करूंगा. धन्यवाद के लिए. आई गेस आनंद जी अवेलेबल नहीं है, अगर विपिन जी अवेलेबल हो. विपिन जी अच्छा, विपिन जी सर पानी पी, मन कर रही है. मन होंगे ना, क्या नाम? आवाज आ रही. नहीं सर अवेलेबल, शायद अवेलेबल नहीं है कोई भी अभी. तो मैं कर देता हूँ फिर. धन्यवाद. बिल्कुल सर. आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़े इसके लिए आप कुलदीप जी, कुलदीप जी एक सेकंड, आप ये विपिन जी अवेलेबल है हमारे साथ में. विपिन जी धन्यवाद ज्ञापन के लिए. ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. जय को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव सेशन दिया, और सभी बच्चों को जो कि देश का भविष्य है तो इस सेशन के लिए जुड़े इंसा इंटरनेशनल स्कूल के सभी स्टाफ और प्रिंसिपल, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. जय सेशन फिनिश करें सर. बिल्कुल. आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़े इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद. आगे भी 13 टास्क फोर्स ऐसे सेशन करते रहेंगे और हम दूसरों की रक्षा करते रहेंगे. ओम अरम, जय हिंद. ओके सर.